दसवीं पास है, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए है। लास्ट डेट आज रात 11 बजे तक आपके पास है, फॉर्म फिल कर लीजिए। आज रात 11 बजे के बाद जो साइट है ऑफिशियल साइट वो बंद हो जाएगी, आप भर्ती के लिए जो है वो नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं जो टोटल पोस्टें हैं वो 8326 पदों पर निकली हैं, वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से कि 8887 जो है वो MTS के लिए यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए निकली हैं और 3439 हवलदार के लिए निकली हैं। आज इनकी वेबसाइट लगभग 11 बजे जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद जब आप इसके लिए एनरोल करेंगे, जब फॉर्म फिल करेंगे, अपनी तमाम डिटेल्स आप लोगों को भरनी है। इसके बाद अक्टूबर नवंबर 2024 के महीने में जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका करवाया जाएगा, जिसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। दरअसल SSC ने ये भर्तियां निकाली है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये भर्तियां निकाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी जो है वो आज लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। आप लोग जल्द से जल्द मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं या हवलदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज 31 तारीख को लास्ट डेट है, 11 बजे तक वेबसाइट खुली रहेगी, 11 बजे से पहले पहले आप लोग इसके लिए अप्लाई कर ले। इसी के साथ मैं भी आपको ये भी बताऊं कि अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ssc.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को जो लिंक मिलेगा उस लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म फिल करना है, अपने एक लॉगिन ID बना लेनी है। इसके बाद जो है बाकी की पूछी गई डिटेल्स आप लोगों को भरनी है। जितने भी लोग जो है इसके लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं, 100 रुपया फीस रहने वाली है बताया गया है। हाउएवर वुमेन कैंडिडेट्स आर दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट या ST पर्सन्स, उसके बाद इन लोगों के लिए जो है वो ये फी होने वाली है, 100 रुपया जो है वो फी के बारे में बताया गया है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, बताया ये भी गया है कि पेमेंट विंडो जो है वो 1 अगस्त को क्लोज हो जाएगी और करेक्शन के लिए ये विंडो दोबारा खोली जाएगी जो कि 16 अगस्त से 17 अगस्त तक खोली जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, बहुत अच्छा मौका उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10वीं की है, 10th क्लास जो है जिनकी पास है। 10वीं बेस पर अगर आप लोग भर्तियां देखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो SSC का ये जो रिक्रूटमेंट निकली है 2024 ये बहुत सुनहरा मौका आपके लिए है, पर साथ ही साथ लास्ट मौका आप लोगों के लिए है। आप लोग इसके लिए आज रात 11 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। देखें 10वीं जिन्होंने भी पास की है, ज्यादा से ज्यादा ये खबर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें ये चीज पता चल सके कि आज रात 11 बजे तक ही उनके पास समय है कि वो लोग इसके लिए फॉर्म फिल कर सके। और जो पेमेंट विंडो है वो कल तक खुली रहेगी यानी कि 1 अगस्त तक खुली रहेगी, जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करें। या अगर इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ssc.gov.in इनकी विंडो है, इस विंडो पर जाकर आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, ssc.gov.in पर आप लोगों को जाना है, आज रात 11 बजे तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। 10वीं बेस पर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, MTS के लिए कर सकते हैं, हवलदार के लिए कर सकते हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि 100 रुपया सिर्फ इसकी फीस रहने वाली है, फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपया फीस है। आज रात 11 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ssc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। खुद भी आप गूगल करके इस चीज का फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए आपको साइबर कैफे भी जाने की जरूरत नहीं है, खुद भी आप लोग जो है अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फोन से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपना लक आजमा लीजिए, जितने भी लोगों की 10वीं पास है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। 10वीं पास के लिए नौकरी करने का सुनहरा मौका है MTS में, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ में, और हवलदार की पोस्टें निकली है। एज लिमिट के बारे में फिलहाल यहाँ जिक्र नहीं किया गया है, जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ssc.gov.in तो आपको मनीषा जी वहाँ पर एज लिमिट भी पूरी तरह से पता चल जाएगी कि क्या एज लिमिट है। आज रात 11 बजे तक का समय आपके पास है, जल्द से जल्द आप लोग इसके लिए अप्लाई कर लें। अभी देखें आप जो रिक्रूटमेंट ये निकली है MTS के लिए यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए जो निकली है, इसमें 4887 वैकेंसीज है और हवलदार के लिए 3439 है। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 8326 है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करें। देखें एज लिमिट मैं आपको फिर बता दूं, सर आप एज लिमिट पूछ रहे हैं, रईस अहमद जी, एज लिमिट आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पता करनी पड़ेगी, वहां पर तमाम डिटेल्स आएंगी, क्योंकि जो जानकारी समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस जानकारी के अनुसार आज रात 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 10वीं बेस पे। तो बाकी एज लिमिट के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां जाकर
अगर आपको हेल्प हो सकती है या बाकी तमाम चीजें आप लोग जान सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी और अच्छी खबर है, नौकरियां पाना चाहते हैं ये मौका आपके लिए है। इस खबर को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई 10वीं पास स्टूडेंट है या आपके नाउन में कोई 10वीं पास बंदा है जो नौकरी करना चाहता है तो इस खबर को उनके साथ शेयर कीजिए। अब इसी के साथ आप लोग इस पर अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आप लोग इसके लिए क्या कहते हैं, कोई प्रश्न आपका इसको लेकर है। एक बार फिर जाते जाते मैं वेबसाइट बता दूं, वेबसाइट आप सभी नोट कर लीजिए, ssc.gov.in इनकी वेबसाइट है। आज रात 11 बजे तक फॉर्म फिल कर लीजिए और आगे की जानकारियां जरूर बताइएगा। कौन कौन लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे और कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय।